नमस्कार दोस्तों, एसएससी बॉय चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज वेल्डिंग मशीन का अनबॉक्सिंग, ये जो वेल्डिंग मशीन है मैंने अमेज़न से बुलाई है। दोस्तों इसका पैकिंग जो है, पैकिंग बहुत पुअर था, तो मैंने कॉल किया था कस्टमर केयर नंबर पे, तो उन्होंने बोले कि पैकिंग खोल के देखो, इसलिए मैं पैकिंग खोल के ही रखा हूँ। पैकिंग बहुत पुअर था, पैकिंग उतना खास नहीं था, ऊपर लेबल भी नहीं लगाया हुआ था अमेज़न का, इसलिए मैंने खोल के देख लिया। तो देखिए बॉक्स अनबॉक्स हो गया है, उसमें बॉक्स के साथ ये वेल्डिंग ग्लास उतना खास नहीं है, लो क्वालिटी का है। और यहाँ जो ग्लास रहता है वो ग्लास में लगाते हुए फाइबर का है, इसलिए यह काम नहीं दे सकता, इसलिए आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। एक चिपिंग हैमर है, उसके साथ चिपिंग हैमर भी मिलता है, चिपिंग हैमर भी ये ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, ये भी फाइबर का है। चिपिंग हैमर करते समय यहाँ पे है थोड़ा मेटल का लगा हुआ है, बाकी वायर ब्रश है। ये रहा केबल वेबल का बॉक्स, वेल्डिंग मशीन निकल गई है, और ये जो है वेल्डिंग केबल का बॉक्स वगैरह, वेल्डिंग केबल का बॉक्स, इसके साथ डिस्क्रिप्शन शीट जो है और वारंटी कार्ड भी है, वारंटी कार्ड, इसके साथ जो केबल है, केबल अनबॉक्स करके देखते हैं। एक केबल है, ये अर्थ केबल है, ये होल्डर केबल, ये बहुत छोटा साइज में है, करीबन 1 मीटर के कमी है। अर्थिंग केबल, वेल्डिंग केबल 1.5 मीटर, इससे बड़ा होना चाहिए था पर कंपनी छोटा ही प्रोवाइड करती है। बाकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है, केबल का लेंथ सिर्फ ज़्यादा होना था, बाकी कुछ नहीं। ये वेल्डिंग मशीन है, पैकिंग, चलो खोके निकाल देते हैं। साइज बहुत छोटा है वेल्डिंग मशीन है, बाकी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीन बढ़िया है। ये देख लीजिए इनपुट कैपेसिटी, रेट वोल्टेज 160 250 वोल्टेज, और न्यू टेक्नोलॉजी है IGBT, आईबेल कंपनी का है। प्राइस बोले तो प्राइस ये पड़ा 7,000 रुपये अमेज़ॉन पर। केबल भी अच्छे हैं, यहाँ 3 पिन भी लगा सकते हैं, 2 पिन में भी चला सकते हैं, आपकी मर्जी। साइज बहुत छोटा है, देख लीजिए ये साइज इतना है लेंथ में, उसका विड्थ है ये, बहुत ही छोटा साइज है। बैक साइड ये जो है, ये पावर का है, पावर ऑन ऑफ या वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो यह ब्लिप करता है लाइट। ये मशीन जब वेल्डिंग करते समय अगर ज़्यादा हीट हो जाती है तो ये लाइट लग जाता है, और मशीन में कुछ गड़बड़ी या कुछ ख़राबी रही तो ये इंडिकेट करता है लाइट। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ये लगा, ये डिजिटल डिस्प्ले है। और ये एम्पियर सेट करने का है, एम्पियर कम ज़्यादा करने का कारण, और ये रॉड को कम ज़्यादा मेल्ट होने के लिए ये रहता है फोर्स। 220 है मशीन है, सिंगल फेस, 2 ईयर वारंटी है। यहाँ पे अर्थिंग केबल लगाते हैं, यहाँ पे है जो है होल्डर, गलत भी लगा दिए तो कोई टेंशन नहीं, ये
यहाँ पे होल्डर, यहाँ यहाँ अर्थिंग, यहाँ यहाँ अर्थिंग, या यहाँ होल्डर भी लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हैंडल नहीं है, हैंडल नहीं है इस मशीन में। ये बेल्ट है, बेल्ट भी अच्छी क्वालिटी का है, पर हैंडल होना था यहाँ पे, वो भी नहीं है। चलो बैक साइड दिखाता हूँ मशीन। ये ऑन ऑफ स्विच है, ये फैन है। हाँ दोस्तों, जब मैंने मशीन लिया था तो स्टार्टिंग में जब मैंने ट्राई करके देखा घर पे आने के बाद मशीन, तो प्लग में नॉर्मली ऐसा ही लगा दिया, और उसके बाद में चेक किया मैंने, तो चेक करने के बाद फ़ैन जो है नहीं घूम रहा था, तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि मशीन में ख़राबी तो नहीं, बट इसका टेक्नोलॉजी नेट टेक्नोलॉजी का है, तो इसमें कैसा है, जैसा होल्डर अपन टच किए या वेल्डिंग कर रहे तभी फ़ैन ऑन होता है, और जैसे वेल्डिंग करने के बाद जैसे 5 मिनट के बाद अगर होल्डर बंद है आपका या काम नहीं कर रहे तो ये फैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चैनल नया है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट कीजिए।